हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी, आज है ना मनु पापा की और मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया था और वे है ना आज खाना लेकर के चुपचाप निकल लिए घर से। आज मैंने कढ़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी और वे है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई और कहने लगे मुझे नहीं खानी है कढ़ी वाली। सुबह सुबह कन्नू के ऊपर झगड़ा हो गया तो मैं चले गए, थोड़ा बुरा सा लग रहा है और अभी मैं कर लेती हूँ घर के बाकी काम। चलिए जी, अभी है ना बस मेरा पोछा पोछा रह गया है और पोछा लगाते हैं। बच्चे शाम के टाइम यहाँ पर आए थे और आकर के बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे, तो मैंने उनका थोड़ी सी वीडियो बना ली। और कन्नू के साथ में तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन दोनों की खूब बनती है। लेकिन कहाँ तो आया भाई? क्या कलर लाया और दूल्ची लाखी पेचे लाखी वाले पेचे लाया इतनी दूर से। किसी का तलाब आई? दोनों की खतल एक लाखी अपनी खतल। अच्छा, इतनी जाली है और वजन डाल के दे रखा। अच्छा, और जी डेली के डेली मैं कपड़ा मारती हूँ तस्वीरों पे, साड़ियों पे, और फिर से ये इतनी गंदी हो जाती है। डेली के डेली धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ पे, कच्ची छत है ना, तो इसीलिए। और डेली के डेली सफाई करते करते जो है मेरी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन कन्नू के पापा तो मना करते हैं कि इतनी सफाई मत किया करो, मत किया करो, तो मुझे ही गंदा लगता है। उनको तो किसी को भी गंदा नहीं लगता देखने में, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, और वे तो रात को आते हैं सुबह को निकल जाते हैं। तो अभी है ना मैंने सारी तस्वीरों पे कपड़ा मार दिया, सारी छत में झाड़ू लगा दी थी। डेली की डेली पता नहीं क्या हो रहा है कि जाले भी डेली की डेली लग जाते हैं, जाले भी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं रह ही जाता है एक दो। और अभी है ना बस इनके यहाँ पे भी, हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे भी तेरहवीं आने वाली है, तो इस वजह से आप सफाई भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि गेस्ट आएंगे, हमारे भी गेस्ट आएंगे, संजो दीदी, मंजो दीदी, जूली दीदी सभी आएंगे, और बस मेहमानों के सामने तो साफ सफाई होनी ही चाहिए। और जब से मैं घर से आई थी उसके बाद मैंने साफ सफाई भी नहीं इतनी की थी। और जी ये देखिए, अब कन्नू के पापा के कंप्यूटर की बारी आ गई है। वैसे तो ये कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत किया करो और बस कपड़ा लगा दिया करो हल्का फुल्का सा, क्योंकि मेरा जो एक दो वायर होता है अगर वो हट जाएगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जी आज मैं अपने बेबी के बारे में भी आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सेकंड बेबी जो है बहुत ज़्यादा किक करता है और कन्नू बिल्कुल भी नहीं करता था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो किक करता है। शाम के टाइम मैं लेटती हूँ, दोपहर के टाइम लेटती हूँ, जब भी वो किक करता है हमारे घर में सभी बहुत एक्साइटेड है कि ये पता नहीं क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। लेकिन सभी को लड़की ही चाहिए, क्योंकि एक बेबी बॉय तो हमारे पास है, एक बेबी गर्ल आ जाएगी तो हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और मम्मी भी बार बार यही आशीर्वाद देती है, जो कोई हमें पड़ोस में मिलता है वो भी यही आशीर्वाद देते हैं कि भगवान लड़की दे, क्योंकि मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है। और ये है ना देखिए, कन्नू भी कहता रहता है कि हमारी वानिका कब आएगी, मम्मी कब आएगी, मैंने कहा जल्दी और आएगी। ये देखिए कन्नू का नया इन्वेंशन है, आइसक्रीम की मशीन बनाई है आज कन्नू ने, और यहाँ पे तार लगा रखे हैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर। और ये मेरी जो है गर्म पट्टियाँ रख रखी है, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता था ना, तो मैंने उसके लिए मंगवाया था। और ये आज हमारे पोछे में से निकल गया, ये भी यहाँ पे लगा के रख रखा। तो कन्नू कुछ ना कुछ इन्वेंशन करके ही रहेगा मुझे लगता है ऐसे, और उसने आज इसका इन्वेंशन किया है। कौन आइसक्रीम बना रहा था गिलास के ऊपर बोल रख करके, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी इसको साफ सफाई कर देते हैं आगे। और ये फ्लावर पॉट जो है बहुत गंदे हो चुके हैं, ये भी धोने हैं।
और अभी आ गई है बरामदे की बारी। बरामदे में मुझे है ना साफ सफाई करनी है। साफ सफाई इसलिए करनी है क्योंकि मैंने और मम्मी ने दोपहर बैठ करके जमे तोड़े हैं यहाँ पे, और हमने 1 घंटे आराम भी कर लिया था, और 1 घंटे आराम करने के बाद में जमे हमने तोड़ दिए हैं, बहुत ही अच्छे खासे जमे तोड़ दिए। कम से कम 1 टीपन आटा था आधी किलो से भी ऊपर, वो हमने पूरा का पूरा तोड़ दिया, और एक थाली देख के पूरी की पूरी भर गई है। अब मुझे यहाँ पे सफाई करनी है, और ये जो कट्टे हैं ये भी उठा करके रख रहे हैं इनके प्रॉपर जगह पर, क्योंकि हमारे घर पे चूहिया का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, और ये है ना कट्टे बचाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी तो कट्टों पे ही जमी तोड़ती है। हमारे यहाँ पे कनस्तर रखा हुआ है एक, और ये देखिए ये रहा वो कनस्तर, और इस कनस्तर में हम सारे के सारे तय बना करके सारे के सारे कट्टे इसमें रख देते हैं, तो इसमें अब चूहिया नहीं घुस पाती है और हमारे सारे के सारे कट्टे सेफ रह जाते हैं। क्या बेच रहे हो आप? फ्री की है, मैं ले सकती हूँ, फिर आपको नुकसान नहीं हो जाएगा अगर मैं फ्री की ले लूंगी। ये कितने की है बोले बताओ आप? ये भी फ्री की है, और ये 150 रुपए की है। हमें तो 150 रुपए की सुंदर लगी, आप फ्री की ले जाओ, ये लो 150 रुपए। ये 150 रुपए वाली है, ये 150 रुपए में मैंने ये खरीदी थी, ठीक है बोल, ये लो 150 रुपए। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो 150 रुपए की बस यही बोल चाहिए। अरे भैया बोल दे दो, ये इसको भी बोल चाहिए। इसको कितने की दोगे आप? 5 रुपए दो। 5 रुपए की? इतनी सस्ती? ना भैया 5 रुपए। ओ बल्ले 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 बल्ले, भारी बोल 5 रुपए में। इतनी बढ़िया बोल 5 रुपए में दे दी। थैंक यू। अरे बोले चलो पैर से खेलो, पैर मार के गेम ही हुआ, खेल लीजा पैर मार के। आज मेरे लिए क्या बनाया था आपने? आइसक्रीम बनाई थी, 2 आइसक्रीम बनाई थी, कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी आइसक्रीम। और ये देखिए जी, मैंने अभी साफ सफाई की थी, और कन्नू है ना फिर से उठा के लेकर के आ गया टंकी। अभी दिखाता हूँ, ये फ्री की नहीं है, ये बहुत महंगी है टंकी। और अभी साफ सफाई करके आई थी मैं, झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो गया है हमारा, और ये देखिए फिर से काम फैला देता है पल पल में, पल पल में। शपथ बहन सुपड़ा फोन, ये मेरा ओल रॉकेट। रॉकेट कैसा रॉकेट बनाया आपने? नीचे तो जाती इधर तो चली कहीं निकल जाएगा, जब निकलेगा नहीं बेटे, मैंने निकाल के देख लिया। मैंने यात्रा तक करा, मैंने यात्रा करा, मैंने यात्रा करा, उधर यात्रा के यात्रा और जी अभी शाम का टाइम हो गया, और मम्मी बैठ गई, हम बैठने के लिए चली गई है हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ भी बार बार जाती रहती हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे आदमी आते रहते हैं, औरतें आती रहती हैं, आदमियों के पास में आदमी बैठते हैं और औरतों के पास में औरतें बैठती रहती हैं, तो मम्मी उनके पास चली गई है। और मुझे करना है नाक साफ, और बिना चश्मे के मुझे इतना कूड़ा नहीं दिखाई देता है इसमें, और कुछ नहीं है, कन्नू के पापा ने धो दिया था अच्छे से, और अच्छे से धोने के बाद में रख दिया था, तो इसमें है ना कागज़ है, जो कागज़ है ना नीचे बैठ गया था, कन्नू इसमें नाव चला रहा था पानी में, और इसने एक कागज़ घोल के इसमें डाल दिया था, तो वो सारा का सारा जो कागज़ है वो इकट्ठा करना पड़ रहा है और अलग डालना पड़ रहा है, और वो देखिए अपने दोस्तों के साथ में कितनी मस्ती कर रहा है। वेदू है ना वहाँ से चला गया है, और अरु मेरे पास आकर के बोला मम्मी देखो हमने रॉकेट बना दिया है, तो मैं कहने लगी बना लो बेटा आपको जो बनाना है कुछ देर के लिए मुझे फिर। अभी ये है ना देखिए, हमने मक्खन था जो हमारे यहाँ पास रखा था उसका जो है देसी घी बना लिया है, और देसी घी बना करके इसको ठंडा कर लिया है, कम से कम 1 घंटा हो गया है, और 1 घंटा इसको बनने में लगा है, और 1 घंटे के बाद ये जब ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो मैं इसको छान रही हूँ, और नीचे नीचे का छोड़ दूंगी इसको, ऊपर ऊपर से छान लूँगी, नीचे नीचे का हम यूज़ कर लेंगे, और जो इसकी मतलब मट्ठा है, मट्ठा जो जम गई है इसकी तली में, और वो उसको हम डाल देंगे डोगी को, डोगी खा लेता है। और यहाँ पे कन्नू अपनी दीदी के पास मस्तियाँ कर रहा है, और बार बार बहाने बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है।
अभी कर देते हैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद। राधे राधे, शुभ रात्रि। और ये देखिए बच्चों के मस्तियाँ, कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।